नमस्कार, जितने भी हमारे प्रियजनों हैं, मित्र और जो हमारे फ्लोअर हैं जो शेयर बाजार में लगातार निवेश करते आ रहे हैं, और बाजार की इस गिरावट को मैं पहले ही बता चुका था कि मार्च के महीने में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इस मार्केट में लॉस, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट सब कुछ काम होता है। इसलिए ये गिरावट लाजमी थी, और जब असल में मार्केट में गिरावट आएगी तो इससे भी बड़ी भयंकर आएगी। अब इस मार्केट की गिरावट से कैसे निपटना है वो आपको गुर आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन को इतना मजबूत बनाओ, मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार की व्यवहार मन की शांति को भंग ना कर सके। शेयर बाजार की गिरावट से आपका मन बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मन घबराएगा तो ही आप गलतियां कर बैठेंगे। ऐसी मार्च के महीने में कभी भी एवरेज आउट बिना 10, 20, 30 बिना करना नहीं चाहिए। यह फॉर्मूला हमेशा याद रखें। इसी मार्च के लिए नहीं, जीवन में जितने भी मार्च आने वाले हैं मैं सबके लिए आपको बोल देना चाहता हूं। अब देखिए मार्केट में होता क्या है, कोई भी शेयर पूरे एक साल की परिकल्पना करते हम कि एक साल पहले किसी ने शेयर लिया तो उसमें 100%, 200% और 300%। अब यहां मैं रुक जाता हूं। कोई शेयर 100% बढ़ गया पिछले 1 अप्रैल के बाद से अब तक, कोई शेयर 200% बढ़ गया और कोई शेयर 300% बढ़ गया। सबसे पहले हम किस शेयर को बेचेंगे? 300% वाले शेयर को हम बेचने का प्रयास करेंगे, जिससे वो सर्किट सर्किट दर सर्किट वो 50% शेयर टूट सकता है मार्च में 300% वाला। अब आ जाइए दूसरा शेयर जो 200% का रिटर्न दिया है, वो 30-40% अपने हायर लेवल से टूट सकता है। अब जिस शेयर ने 200% रिटर्न दिया है वो डेफिनेटली समझ के चलिए कि 30% टूट सकता है, और जिसने कोई रिटर्न नहीं दिया वो 10% भी शेयर नहीं टूटेगा। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, आपके पास जो लिटिल लिटिल प्रॉफिट बुकिंग करने से जो पाउडर बचा था, मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा बहुत पाउडर आप रखिए, जिनमें प्रॉफिट हो रहा है उसमें लिटिल लिटिल प्रॉफिट बुकिंग जारी रखिए, और जो चीजें आपको खरीदनी है आपको अच्छा लगता है उसमें आप ये 10 दिन के लिए आप शिप कीजिए, 10 दिन के लिए खरीदी कीजिए और गिर जाएगा ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए। मन की शांति बनाए रखिए, पूरा महीना खाली निकालना है मार्च का, अप्रैल में ये भाव आपको दिखेगा नहीं। ये बात बिल्कुल ध्यान रहे, क्योंकि ये हमेशा होता रहा है और होता रहेगा जब से टैक्स स्लैब लागू हुआ है। जब टैक्स स्लैब नहीं था तब ऐसा नहीं होता था। अभी क्या क्यों हो रहा है, इसके 5 कारण। पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट, जिसमें लॉस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होता है, इसके वजह से जो सेल बेचने हैं वो भी बिकते हैं, जो नहीं बेचने हैं वो भी बिकते हैं। नंबर 2, एडवांस टैक्स जो मार्च के महीने में जमा करते हैं उसके वजह से भी माल बिकते हैं। 3, एमएसएमई का फंडा जो पूरी भारतवर्ष में एक नया फंडा आया हुआ है, इसके वजह से भी मार्केट में पैनिक होते हैं लोग, म्यूचुअल फंड्स में वसूली हो रही है, शेयर मार्केट में वसूली हो रही है। 4, जो निवेशक है उनके पूरे पैसे लग चुके हैं। जब पूरे पैसे लग जाते हैं तो आपके पास कोई नया पैसा बचता नहीं है, तो बाजार इस मौके का खूब फायदा उठाता है, बाजार रोज नीचे बनाता है। और 5वां फॉर्मूला, शेयर बाजार उठेगा कब, जब आप बॉट एवरी बॉट जोन में आ जाएंगे, ऐसा भाव आ जाएगा जिस भाव में कोई बेचने वाला नहीं रहेगा। एक गिरावट का समीकरण तब थमता है जब जिस भाव में कोई बाजार में सेलर नहीं रहता है, कोई भी वो सेल नहीं कर पाता है, कोई शेयर्स उसके खरीदी से 30% टूट जाते हैं, कोई उसके खरीदी से 50% टूट जाते हैं, कोई उसके खरीदी से 100% टूट जाते हैं, किसी में पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाता है, कोई अच्छा शेयर है लेकिन प्रॉफिट बचा है उसे वो बेचना नहीं चाहते हैं, ऐसे पोजीशन में बाजार ओवरबॉट हो जाता है। अब जब कोई बेचने वाला नहीं होगा तब इस शेयरों में जो खरीदारी आएगी तो वो बाजार में इसी प्रकार की तेजी लाएगी जिस प्रकार की गिरावट आपको देखने को मिली। इसलिए मन की शांति बनाए रखें, लिटिल लिटिल खरीदारी करें। मैंने पहले भी बोला था
लेवरेज न रहे, कर्जे चुकाए, ईएमआई जो छोटी मोटी है मैं बराबर बोलता आ रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरी बात को फॉलो किया होगा उनको लाभ है, अब वो नया कर्ज ले सकते हैं, ये गाड़ी का नया लोन ले सकते हैं, नई ईएमआई चालू कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नमस्कार।